हैप्पी महाशिवरात्रि एवरीबॉडी। तो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन NBK 109 फर्स्ट ग्लिम्स, नंदा मोरी बालकृष्ण सर, बॉबी कोहली तमन एस बाय सितारा एंटरटेनमेंट। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैम मुरली नायको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स गो। సింహం నక్కల మీదకి వస్తే వార వదరాలపు, ఇట్స్ కాల్డ్ హంటింగ్। हम डैम से पानी छोड़ते ना उस तरीके से वो फायर आ रहा था, एंड देन NBK फॉर्म हुआ था। ओके सो मैं आपको एक बता दूं कि अखंडा मूवी जब मैंने देखी थी तो मुझे लगा ये डबिंग की है क्या किसने, जो जिस किसी ने की, इट इज वेरी पावरफुल, क्योंकि वॉइस जो है वो बहुत पावरफुल लग रहा था मुझे। बट एक्चुअली वो खुद नंदामूरी सर ने ही हिंदी डायलॉग्स बोले है। वाओ ब्यूटिफुल, मतलब उनका वॉइस क्योंकि बहुत पावरफुल। अभी इसमें एक ही डायलॉग था, ठीक है, एक ही डायलॉग हंडे हो, और ऊपर से वो भी इतना पावरफुल बिकॉज उनके वॉइस में वो पावर है। और उसके बाद जो उन्होंने एक्शन किया, एक हाथ में ये खच्चा, मतलब एक, अगर आप नंदामूरी बालकृष्ण सर को ऑन स्क्रीन देख रहे हो तो ये खतरनाक चीजें होने ही वाली है, ऐसे एक मेरे मन में बैठ चुका है। बिकॉज फॉर मी, मैंने कभी उनको रोमांटिक रोल करते हुए नहीं देखा है, लव वाले रोल करते हुए, मतलब आई डोंट नो, अगर हो गए मूवीज तो आप बताओ मुझे कमेंट में, आई हैवंट सीन हिम डूइंग सच काइंड ऑफ रोल्स। ओके सो दिस वॉज पावरफुल, अगेन द वे ही वॉज होल्डिंग हिम खच्चा एंड ऑल, एक्शन सीन जिस तरीके से वो करते हैं, एंड उनकी उम्र सुन के आप लोग ऐसे क्या बोलते हैं, शॉक हो जाओगे कि यार ये उम्र में ये ऐसे इतना कोई एक्टिव कैसे हो सकता है, इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। सो दिस वॉज ओवरऑल बहुत ज्यादा पावरफुल, मजा आया मुझे देखने में, बैकग्राउंड म्यूजिक भी मस्त था। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? ये तो सिर्फ एक ग्लिम्स है, अभी और जब ट्रेलर टीजर्स वगैरह सब कुछ आएगा ना तब हमको एक आइडिया आएगी कि एग्जैक्टली क्या है करके। ओके सो आपको क्या लगा इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइज, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत निहाले सा, बाय।